हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने करंट अफेयर की एक नई सीरीज़, जिसमें हम लोग अक्टूबर माह के करंट अफेयर शुरू करेंगे, जो कि प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। प्री के अकॉर्डिंग मैंने इसमें वन लाइनर फैक्ट्स दिए हैं और मेंस के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डिटेल्स भी आप लोगों को समझाई हैं कि आप लोग डिटेल्स में और क्या क्या क्वेश्चन आंसर में कैसे इनपुट इसके बारे में डाल सकते हैं। आज हम पार्ट वन लेकर आए हैं। मैंने अक्टूबर से इसलिए शुरू किया कि कोई भी एग्ज़ाम होगा अब से 6 महीने बाद ही होगा, तो 6 महीने का करंट अफेयर मैं अभी कवर करा दे रही हूँ। अगर आप लोगों के कमेंट आए तो इससे पिछले लास्ट 6 मंथ के भी मैं और भी कवर करवा दूँगी इसमें। और इसलिए अक्टूबर माह के इसलिए भी मैं और करा रही हूँ क्योंकि अभी जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है UPSC का, इसके बाद के ही करंट अफेयर हम मेन फोकस करते हैं MPPSC के लिए और UPPSC जो आएगा 2019 में उसके लिए, और जो भी मेंस होगा उसके लिए तो आपको और भी लास्ट 1 ईयर का पूरा आपको करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा। तो मेंस के पर्पज़ से भी ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप मेंस की आंसर राइटिंग में इनपुट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है, इसमें क्या चीज़ें और मैं सुधार कर सकती हूँ, तो आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मैं वन लाइनर क्वेश्चंस भी जल्दी ही लाने वाली हूँ और मेंस के लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए क्योंकि मेंस की जैसे सीरीज़ चल रही है डेली एक वीडियो मेंस की वैसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी, वो रेगुलर आपके पास आती रहेगी, अपलोड होती रहेगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज अक्टूबर 2018 का पार्ट वन, जिसमें मैं आज राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में बताऊँगी। इसी तरह से खेलकूद, आर्थिक घटनाक्रम और चर्चित व्यक्ति, ये सब मैं आपको पार्ट वाइज एक एक चीज़ अलग से करवाऊँगी, पुस्तकें अलग से करवाऊँगी, सब कुछ कि इसमें सब कुछ आपका अक्टूबर में कवर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया, ये प्रतिमा कहाँ बनी हुई है? तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर बनी हुई है क्योंकि उन्हीं के जन्मदिन के को यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो प्रतिमा बनी है ये गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया गाँव में बनी हुई है। इसके बारे में मैं और फैक्ट्स आपको बता दूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर मोदी जी ने इनकी विश्व प्रतिमा, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी को ये राष्ट्र को समर्पित किया 143वें जन्मदिन के अवसर पर। इसके बारे में और भी ये बता दें कि ये सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर दूर साधु द्वीप पर बनी है और इसकी ऊँचाई जो है वह 182 मीटर है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, ये जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। इससे पहले जो एक प्रतिमा थी 153 मीटर ऊंची, ये स्प्रिंग ऑफ टेंपल बुद्धा जो कि चीन में थी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की आधारशिला जो रखी गई थी वो रखी गई थी अक्टूबर 2013 में, 31 अक्टूबर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी आता है, और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने ही इसकी आधारशिला रखी थी। और इसका जो प्रसिद्ध मूर्तिकार है वो राम वंजी सुतार ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है और मूर्तिकार का नाम ये है राम वंजी सुतार। इसका निर्माण लार्सन एंड ट्रूबी कंपनी द्वारा किया गया है और इसका जो पूरा ढांचा है प्रतिमा का, ये कंक्रीट और स्टील से बनाया गया है। इसके अलावा और भी इस जो प्रतिमा को बनाया गया है, इसके और भी बहुत सारी आकर्षण है प्रतिमा के साथ साथ। यहाँ पर उनके जीवन के ऊपर संग्रहालय भी बनाया गया है, भारत भवन प्रदर्शनी सभागृह भी बनाया गया है, 153 मीटर ऊंची दर्शक दीर्घा भी बनाई गई है, 3D चित्रों का मानचित्रण भी किया गया है, 250 शिविरों का टेंट सिटी बनाई गई है, जनजातीय संग्रहालय, हस्तशिल्प बाजार और फूलों की घाटी आदि का इसमें निर्माण किया गया है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको यहाँ बता दूं कि हम UPSC में जब क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं तो वो जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी को उठा के ही क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। अब
सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जब प्रतिमा का अनावरण किया गया है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1875 को नादियाड गुजरात में हुआ था। और आप लोगों को पता ही होगा बारडोली सत्याग्रह 1928 की जब सफलता हुई थी तो वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। और इनको स्वतंत्र भारत का वास्तुकार भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने महान गणराज्य मतलब को रियासतें जो थी जो अलग अलग बटी हुई थी उनका एकीकरण करने में 562 रियासतें थी उनका एकीकरण करने में वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में कि ये भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ कहाँ किया? तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा रांची में किया गया, रांची जो कि झारखंड की राजधानी है। और इसका जो शुभारंभ किया गया वो 23 सितंबर 2018 को किया गया। इस योजना का जो उद्देश्य था वो था अत्यंत गरीब और समाज के वंचित वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और उपचार प्रदान करना। और इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि प्रतिवर्ष 10 करोड़ परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ये अब तक की हमारे देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको आयुष्मान भारत भी कहा जाता है। इस योजना में कैंसर, हृदय रोग जैसी बहुत सारी गंभीर जो बीमारियां होती हैं इसके सहित टोटल 1300 बीमारियां इसके अंदर कवर की जाएंगी। और एक नंबर है 14555, इसको डायल करके सेवा केंद्र के माध्यम से इस योजना के बारे में और भी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चाईबासा और कोडरमा में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी और 10 स्वास्थ्य और वेलेंसर सेंटर मतलब कि कल्याण केंद्र का भी उद्घाटन किया। और सरकार का लक्ष्य है, ये इन्होंने लक्ष्य बनाया हमारी सरकार ने कि पूरे देश में 4 वर्ष के भीतर 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र और कल्याण केंद्र खोले जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है जो कि नई योजना आई है। आप योजनाओं में मेंस में ये आंसर राइटिंग कर सकते हैं, जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत। ये रांची में खोला गया, इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 24 सितंबर 2018 को मध्य क्षेत्रीय परिषद, आप लोगों ने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा कि हमारी क्षेत्रीय परिषदें हैं, 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, तो उसमें से मध्य क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन हाँ लखनऊ में हुई, इसलिए UPSC के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लखनऊ में इसकी बैठक हुई और इसकी जो अध्यक्षता वो की केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसमें मैं थोड़ा सा मुख्य रूप से जो चर्चा हुई वो बता देती हूँ। इसमें सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वामपंथी उग्रवाद से निपटने के तौर तरीके, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, मनरेगा, हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे को समन्वित करना, अनाज भंडारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्कूल पुलिस कैडर और विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य मुद्दे शामिल थे। मतलब ये ऊपर से आपको नॉलेज बस इतनी होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या मुद्दे शामिल थे। और इसकी अगली बैठक जो होगी वो होगी छत्तीसगढ़ में संपन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 23 से 25 अक्टूबर 2018 तक राज्य खेल स्तर महाकुंभ का आयोजन कौन से राज्य में होगा? तो खेल का महाकुंभ जो खेल में अग्रणी राज्य है वो है हरियाणा, तो हरियाणा में ही इसका शुभारंभ होगा, आयोजन होगा। इससे पूर्व यहाँ पर 11 से 13 अक्टूबर में जिला स्तर पर यहाँ पर आयोजन हुआ था खेलों का और इस आयोजन में हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ रुपए का बजट इसमें निर्धारित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 से 11 अक्टूबर के बीच गुड गवर्नेंस क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आयोजन होगा हमारा कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, वहां पर इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो ये भी UPSC के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 जो आ रहा है उसके लिए लखनऊ में होगा। और ये
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा जो कि लखनऊ में स्थित है। इसका जो मुख्य थीम है, मतलब मुख्य विषय जो होगा, वो होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज प्रभावी भागीदारी निर्माण। तो ये इसका मेन थीम होगा। और सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ था वो हुआ था 2015 में नई दिल्ली में हुआ था। तो फर्स्ट आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए भूरेलाल। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि जो मंत्रालय है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्होंने 3 अक्टूबर 2018 को, डेट है 3 अक्टूबर 2018 को, इस प्राधिकरण का पुनर्गठन किया। और इसका जो पहले कार्यकाल चल रहा था वो 3 अक्टूबर को समाप्त हो गया था। इसमें भूरेलाल को पुनः नियुक्त किया गया, पहले भी यही थे और इनको दोबारा नियुक्त कर दिया गया। इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल दे दूँ इस प्राधिकरण के बारे में। ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1998 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, के अंतर्गत इसे अधिसूचित किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से इस संस्था का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय सुझाने की ये संस्था काम करती है। ये प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करने का भी काम करती है केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 9 अक्टूबर 2018 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी नामक पहल की शुरुआत की, ये किसके उपलक्ष्य में की? की पे बड़ी की मात्रा आएगी, थोड़ी सा प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है यहाँ पर। तो ये की महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। इसके अंतर्गत दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग निःशुल्क वितरित किए जाएंगे, जो इन्होंने इंडिया फॉर ह्यूमैनिटीज प्लान की शुरुआत की है, इसके अंतर्गत निःशुल्क वितरित किए जाएंगे और विश्व के अनेक स्थानों पर कृत्रिम अंग फिटनेस कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। सबसे प्रारंभ में 12 देशों में ये फिटनेस कैंप आयोजन किए जाएंगे और इसका जो संचालन है वो पूर्णतः विदेश मंत्रालय द्वारा होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है निःशक्त लोगों को शारीरिक, आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करना। इस पहल को भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जो कि जयपुर में है, मेन इसका जो मुख्यालय है जयपुर फूट नामक संस्था के साथ मिलकर शुरू किया गया है। और ये जो संस्था है भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, इसकी जो स्थापना डीआर मेहता ने 1975 में की थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, भारत में 4 बड़ी मंडियों की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो ये स्थापना की जा रही है हरियाणा में। हरियाणा में 4 जगह बड़ी मंडियों की स्थापना की जा रही है, गुरुग्राम में, रियो डी जेनेरियो के फ्लोरा अंतर्राष्ट्रीय मंडी के सहयोग से फूलों की मंडी स्थापित की जाएगी, मसालों की मंडी सोनीपत में स्थापित की जाएगी और पंचकुला जिले के पिंजौर में 250 एकड़ में सेब की मंडी स्थापित की जाएगी। तो हरियाणा में मंडियों की स्थापना की जा रही है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वां महालेखाकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। ज़्यादातर इस टाइप के जो सम्मेलन होते हैं वो नई दिल्ली में। अगर आप लोगों को आंसर नहीं आ रहा है, किसी चीज़ का कन्फ्यूज़ है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब आप नई दिल्ली ऑप्शन सबसे पहले चूज़ कर सकते हैं हर जगह के लिए। और इसका जो उद्घाटन किया था वो हमारे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। और इसका मैं मुख्य विषय बता दूँ, डिजिटल युग में लेखा परीक्षा और लेखा प्रणाली इसका मुख्य थीम था। नेक्स्ट, आप लोगों को पता है जैसे कि इस समय हमारी वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों में चुनाव की अधिसूचना जारी की गई। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 5 राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और मणिपुर। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। तो अब तक
इन पांचों राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और मतगणना कल के दिन ही होने वाली है, मतलब कि 11 दिसंबर 2018 को मतगणना होगी। देखिए किसकी सरकार बनती है। तो अब ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में शामिल हो जाएगा, जिसकी भी सरकार बनेगी वो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 सितंबर 2018 के मध्य स्मार्ट सिटी इंडिया 2018 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? स्मार्ट सिटी इंडिया 2018 का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा और इसका आयोजन किया जाएगा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुर जयपुर में किया जाएगा और उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। मतलब अब तो ये बीती हुई घटना हो गई, लेकिन हम अक्टूबर माह में जब उस समय खबर छपी थी तब ये किया गया था। और इसका उद्देश्य था सिटीज क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मध्य संवाद, नेटवर्किंग और प्रदर्शित की गई तकनीक का बेहतर उपयोग हेतु प्रोत्साहित कर। हमारे राष्ट्रीय घटनाक्रम यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज के इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे आने वाले जितने भी पेपर हैं उसके लिए। 24 अक्टूबर को यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019, यहाँ पर QS आएगा। QS जो कि बहुत ही मानी हुई रैंकिंग है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। एशिया के 500 विश्वविद्यालय इसमें शामिल थे। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को। नन्यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, सिंगुआ यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है और पेकिंग विश्वविद्यालय 5वें स्थान पर यहाँ पर बना हुआ है। हमारी इंडिया के 8 शिक्षण संस्थानों को टॉप 100 में यहाँ पर जगह मिली है, जिसमें IIT बॉम्बे को 33 स्थान प्राप्त हुआ है और IIT दिल्ली को 40 स्थान प्राप्त हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ है 103, 103वां स्थान प्राप्त। हम लोगों के GS पेपर 1 में एक टॉपिक है गरीबी, तो उसमें आप भुखमरी सूचकांक के बारे में या गरीबी सूचकांक के बारे में डाल सकते हैं। तो 103वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है 2018 में रैंकिंग में। इसका जो मुख्य थीम था वो था फोर्स्ड माइग्रेशन एंड हंगर, इसका मुख्य विषय था। और इसमें जो 4 संकेतक का यूज़ किया गया था, मतलब कि इसको मापने के लिए जिस संकेतक का यूज़ किया गया था, ये मेंस में भी काम आ सकता है। हम लिख सकते हैं इस चीज़ को कि अल्प पोषण, लंबाई के अनुपात में कम वजन, आयु के अनुपात में कम लंबाई तथा बाल मृत्यु दर, इसके आधार पर इसकी रैंकिंग तैयार की गई थी। इसमें 5 शीर्ष देश कौन से हैं, मतलब सबसे टॉप पे देश हैं, बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चिली, कोस्टारिका और क्रोएशिया। और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो 6 देश हैं, चार हैती, मेडागास्कर, सियेरा लियोन, यमन और जाम्बिया, ये बहुत ज़्यादा भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। अब हम इंडिया की बात करते हैं, तो भुखमरी, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2018 में भारत नाइजीरिया के साथ, भारत किसके साथ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइजीरिया के साथ संयुक्त रूप से 103वें स्थान पर है। और इसमें जो इसका स्कोर है वो है 31.1 और भारत को इसमें गंभीर वर्ग में रखा गया है। अब 2017 की बात कर लेते हैं, तो 2017 में भारत 100वीं रैंकिंग पे था, तो मतलब कि भारत की रैंकिंग बढ़ गई है, मतलब और भी ज़्यादा खराब स्थिति भारत की हो गई है पहले से। पड़ोसी देश में हम पाकिस्तान की बात करें तो पड़ोसी देश पाकिस्तान की 106वीं रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर भारत को प्राप्त हुई है 81वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है भारत को। इस सूचकांक में पहली रैंकिंग जापान को प्राप्त हुई और सेकंड सिंगापुर को, मतलब कि जापान का पासपोर्ट सबसे फर्स्ट नंबर पे है पूरे विश्व में। और जो 2017 था उसमें जर्मनी को पहली रैंकिंग प्राप्त हुई थी और जापान और सिंगापुर 5वें और 4थे स्थान पर थे, तो बहुत ही अच्छी छलांग लगाई है जापान ने पहले नंबर पर आकर।
भारत जो 2017 में उसकी रैंकिंग थी 87 और अब इसकी रैंकिंग 81 है, तो मामूली सुधार के साथ काफी अच्छी परफॉर्मेंस भारत ने भी की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं UNIGME द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, बाल मृत्यु रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर कौन सा देश क्षेत्र है। मतलब कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ऐसा क्षेत्र कौन सा है जो शीर्ष स्थान पर है, तो यह है उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र। ये जो मैंने बताया है UNIGME, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोरेलिटी एस्टिमेशन। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 में लगभग 6.3 मिलियन बच्चों और किशोरों की मृत्यु हुई थी। अब ये काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। अब भारत में इस भारत के संदर्भ में हम जान लेते हैं, तो भारत में 2017 में 802,000 बच्चों की मृत्यु हुई थी, जो पिछले 5 वर्षों में कम है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये आंकड़े थोड़े से सुधरे हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे UNISDR की एक रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से पिछले 20 वर्षों में भारत को कितना अरब का नुकसान हुआ है, कितने अरब डॉलर का, तो 79.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। आजकल फैक्ट्स में पॉइंट्स में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, मैंने वो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो UNISDR के अनुसार, जो कि UN की एक संस्था है, इसके अनुसार 1999 में आपदा न्यूनीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की थी UNISDR की। और ये जो नुकसान हुआ है, ये इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला देश अमेरिका है। अमेरिका सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, तो उसको भी नुकसान प्राकृतिक आपदाओं में सबसे ज़्यादा हुआ है उसको। और भारत यहाँ पर चौथे नंबर पर आएगा 79.5 अरब डॉलर के नुकसान के साथ। ऐसे में बता दूं कि सूची में चीन और जापान दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। और पिछले 17 सालों में भारत ने 300 प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं। ये आंकड़े आप इनपुट कर सकते हैं अपने मेंस के एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैश्विक सूचना का अधिकार रेटिंग 2018 में कौन सा देश प्रथम पर है। तो प्रथम नंबर पे है अफगानिस्तान। रिसेंटली एसिस इन्फो यूरोप एंड सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी द्वारा वैश्विक सूचना का अधिकार रेटिंग 2018 जारी की गई है। तो इसमें बताया गया है कि इस सूची में अफगानिस्तान सबसे नंबर 1 पे है, और उसके पश्चात जो कंट्रीज हैं वो है मेक्सिको, सर्बिया, श्रीलंका, स्लोवेनिया, तथा भारत का जो स्थान है वो यहाँ पर 5वें नंबर पर भारत का स्थान है, और उसके अंक हैं भारत के 128। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को प्राप्त हुआ है 115वां स्थान। अब ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है कि विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक की ये पहली रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है, ये पहली बार इस यहाँ शामिल की गई है, इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सेकेंड नंबर पे दक्षिण कोरिया को, जापान को तीसरे नंबर पे, हांगकांग को चौथे नंबर पे स्थान प्राप्त हुआ है, और चार जो देश है, जो अफ्रीका का देश है, इसे 157वां, जो कि सबसे निचला अंक है, वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 12 अक्टूबर 2018 को भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के में कितने वर्षों के लिए निर्वाचित हुआ है। तो भारत यहाँ पर 3 वर्षों के लिए निर्वाचित हुआ है, और इसका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2019 से प्रारंभ होगा। और इसके बारे में बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र की एक बहुत ही शीर्ष मानवाधिकार संस्था है, और इसकी स्थापना जो की गई थी महासभा द्वारा 15 मार्च 2006 को की गई थी, और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसमें कुल 47 सीटें होती हैं, और एशिया अफ्रीका को करीब 13 सीटें मिली हुई हैं यहाँ पर। ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म, एक वार्षिक रिपोर्ट है, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका प्रकाशन किया जाता है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है।
और इसने जो रिपोर्ट जारी की उसने बताया है कि 2017 में भारतीय भूभाग बुरी तरह से आतंकवाद से प्रभावित रहा है। ये प्रभाव जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के भारतीय राज्यों तथा माओवादियों के प्रभाव वाले मध्य भारत के क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों में भी दृष्टिगत होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा भारत में इस बार टेररिज्म का प्रभाव रहा है। और एक और फैक्ट इसमें कि जून 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को आतंकवादियों के खिलाफ नए तंत्र की स्थापना हेतु निर्देश दिए थे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम के स्वामित्व को खरीदने की घोषणा किसने की है? टाइम एक पत्रिका जिसको स्वामित्व की घोषणा खरीदने की है मार्क बेनियॉफ ने। ये जो समझौता हुआ है, ये जो सौदा हुआ है, ये 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हुआ है। और ये जो टाइम पत्रिका है इसकी जो स्थापना थी येल यूनिवर्सिटी के हेनरी ल्यूस और ब्रिटन हेडन ने की थी। और इसका प्रथम संस्करण 1923 में छपा था। कब छपा था टाइम पत्रिका का? 1923 में पहला संस्करण इसका आया था। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये काफ़ी लेंथी वीडियो थी लेकिन इसमें मैंने एक एक फैक्ट कवर किए। और मैं आपको इतना श्योरिटी गारंटी से कहती हूँ, 100% गारंटी, अगर आपने ये मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो कर लिए और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और सारा पेपर इसी में से ही आएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।